एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं लंच करने, ये दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे। और मेरे साथ है मम्मी और अमन, गए हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। यहाँ स्पेस नहीं था बिल्कुल इसके सामने, तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। लंच मतलब ब्रंच लगा लो, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, क्योंकि आज सुबह से हमने किसी ने कुछ भी नहीं खाया। और धूप निकल आई अचानक से, पहले हो रही थी बारिश और अब धूप निकल आई। तो जो गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आज मैं पूरा अच्छे से बनाऊंगी वीडियो, कि मैं बताऊंगी कि क्या चार्जेस हैं इन लोगों के, कितने का वेज है, कितने का नॉन वेज है, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या क्या इनके पास फूड आइटम्स हैं, वो सब मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और व्लॉग को पूरा देखिए पूरी जानकारी लेने के लिए। यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी एंट्री, और अब मैं आप लोगों को यहाँ के प्राइसेस बता देती हूँ कि वेज बूफे का क्या होता है और नॉन वेज बूफे का क्या होता है। तो यहाँ पे वीकडेज में और वीकेंड्स पे अलग अलग प्राइस होते हैं। वीकडेज में होता है यहाँ पे 685 वेज और 785 आई थिंक नॉन वेज का होता है। बाकी उसके अलावा हम गए थे सैटरडे को वीकेंड पे, तो वीकेंड पे था 700 समथिंग, मतलब 85 के अराउंड ही वेज का था, 785 के अराउंड वेज था, और जो नॉन वेज था वो 900 समथिंग का था। तो आप ये लगा के चलो कि वीकेंड पे लंच के ये प्राइसेस हैं, और जो डिनर होता है वो वीकडेज में 885 का वेज और 885 का नॉन वेज, और सेम प्राइस इंक्रीज हो जाता है वीकेंड्स पे डिनर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लंच टाइम पे आते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, और ट्यूसडे को इनकी कुछ कुछ डील्स वगैरह चलती रहती है यहाँ पर। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये लोग स्टार्टर्स में क्या क्या देते हैं। और स्टार्टर में सबसे पहले आया है सालसा पोटैटो। ये क्या है भैया? शामी कबाब। शामी कबाब, ये इसमें सालसा पोटैटो और शामी कबाब दो चीज़ें आई हैं अभी स्टार्टर में। और ये है वेज का, नॉन वेज का भी दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या था, क्योंकि ये नॉन वेज खा रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं वेज। आप वेज क्यों खा रहे हो जब आपका नॉन वेज है? तो चख रहे हो कैसा है ये शामी कबाब? पोटैटो बेकार है। ये है क्रिस्पी कॉर्न थर्ड आइटम वेज का, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं यहाँ पे इन्हीं के लिए आती हूँ। और ये एक एक ड्रिंक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो मैंने मंगाया है मसाला कोक, लेमन सोडा उधर रख दो, मम्मी का है लेमन सोडा, और इन्होंने मंगाया है वर्जिन मोजितो। या वेट अयान, वेट, मंगवाया है क्रिस्पी कॉर्न बस। हाँ ये रख दो, ये है पापड़ी चाट बस, थैंक यू। ये है तंदूरी सोया चाप, और ये है पनीर टिक्का, और ये है स्वीट सिनेमन पाइनएप्पल। ये है सब वेज का। और ये आया हनी चिली पोटैटो, और ये भैया हनी चिली पोटैटो है। हाँ ये भी रख दो इधर, थैंक यू। और नॉन वेज में क्या क्या है? ये फिश है। हाँ चिकन टिक्का। अच्छा एक फिश है और एक चिकन टिक्का है। क्या है ये? तंदूरी चिकन। और ये कबाब, सीख कबाब। ये प्रॉन्स आए हैं नॉन वेज में। तो ये सारे स्टार्टर हैं जो नॉन वेज के होते हैं, अभी कुछ और भी आएगा। और ये सब है वेज का। हाँ जी ढंग से खा ले। हाँ कमजोरी नहीं रहनी चाहिए शरीर में, कोई सारी कमजोरी पूरी कर ले। हाँ अभी एक बार प्लेट खाली कर दिया, दोबारा बुला रहा है। दोबारा भरवा रही है? वेस्ट मत करना, ठीक है। आलू खा के ऐसे ऐसे गर्दन हिला रही है। इतना टेस्टी है आलू, तो घर पे बना सकती है तू। मम्मी तो अयान के अयान को खिलाने में बिजी हो रही है। देखो ये पूरा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया पूरा। मैंने अकेली भाई सब सारे तगड़े तेरे। इन्होंने देखो कितना चिकन निपटाया मेरे को, कह रहे हैं खुद ने निपटा दिया सारा। पीके दिखा दोबारा।
अयान इस लेमन सोडा के चक्कर में सब कुछ खाना छोड़ रखा है, सोच रहा कहीं दादी ना पी जाए, खत्म ना हो जाए। पहले इधर आ रहा घूम घूम के, सारा खाना ऐसे कैसा छोड़ रखा है प्लेट्स में। यहाँ देखो मेरी प्लेट, हाँ थोड़ा सा रखो बस, थैंक यू। कोई नहीं रखवा रहा, मैं ही रखवा रही हूँ। मेरी में से खाओगे, अपनी में नहीं रखवा सकते। स्टार्टर्स में गोलगप्पे भी हैं ऑप्शन में, जो कि अयान खा रहा है। अरे ये आटे के हैं, आटे के हैं, ये सूजी के नहीं है, आटे के हैं। आटा और सूजी मिक्स है, अयान ऐसे कर रहा हूँ। ओह वाह 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 वाह। अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि लंच में मेन कोर्स में क्या क्या था और डेजर्ट्स में क्या क्या था। तो ये थी वेज बिरयानी और जीरा राइस, और इसके नेक्स्ट उसमें था कढ़ाई पनीर और दाल मखनी, और उसके बाद था पालक कॉर्न और गट्टे की सब्ज़ी, और इसमें है नूडल्स एंड मंचूरियन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है गोभी था, और दूसरा एक और कोई पनीर की ही सब्जी थी। यहाँ पे है ये जो चाट काउंटर है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी चाट बनवा सकते हो, गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी वगैरह, भल्ला पापड़ी वगैरह, टिक्की नहीं थी सॉरी। और इधर ड्रिंक्स का काउंटर था, और ये जो काउंटर है ये आइसक्रीम रोल के लिए है। फिर उसके बाद इधर से नॉनवेज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे सारा नॉनवेज था। और ये आता है सैलेड्स का काउंटर, यहाँ पे सैलेड्स प्लस रायता सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, पापड़ वगैरह। फिर आते हैं डेजर्ट्स, जिसमें कि गुलाब जामुन है और हलवा है यहाँ पे इनके पास, और ये है इनके पास ब्राउनी, बहुत ही टेस्टी सी ब्राउनी जो मेरी फेवरेट है। और उसके बाद ये सारा जो है ये सब पेस्ट्री, केक, खीर और अलग अलग तरीके की पेस्ट्रीज और मूज केक और वो सब था इनके पास इस वाले काउंटर पे। तो ओवरऑल डेजर्ट्स वाला काउंटर बहुत ही बहुत अच्छा है, और खाना सारा बहुत टेस्टी। तो मैंने तो स्टार्ट किया है बिल्कुल लाइट से, मैंने लिए हैं मंचूरियन, नूडल्स और वेज बिरयानी, और ये तो अपने चिकन को खा रहे हैं लपेट लपेट के। और मम्मी के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा खाना लेके आई हूँ, अभी रोटी आ रही है। तो यहाँ पे इनके पास लाइव है आइसक्रीम रोल, जो कि अभी मैं बनवाने वाली हूँ, अपने आप कस्टमाइज़ करवा के बनवा सकते हैं। और ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये ब्राउनी है हाँ, तो ये डाल के और इसमें चॉकलेट बनाना है, हाँ चॉकलेट बनाना है। ये भी डालना है टूटी फ्रूटी, हाँ दोनों। ये जो आइसक्रीम मैं बनवा के लाई हूँ ना, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही यम्मी। और ये ब्राउनी है मेरी फेवरेट, अब मैं इसको इसके साथ खाने वाली हूँ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, प्लस गुलाब जामुन खाऊंगी इसके साथ। फुल पैसा वसूल करके जाऊंगी मैं आज यहाँ पे। आप कैसे इतनी जल्दी फ्री होके बैठ गए, उम्र हो गई, आज नहीं खा रहे हैं? नहीं तो दवा के खाते हो आप तो, कोई बात नहीं। अयान, अयान देख माहौर में के, चीयर्स चीयर्स तो करो, चीयर्स करो। अच्छा अच्छा, ये हलवा, अच्छा अच्छा, ये आइसक्रीम तो बहुत बहुत गिरी हुई आइसक्रीम है, पिघली हुई। अंजलि का तो सिस्टम ही नहीं रुक रहा है, चार घंटे खाएगी क्या? ये था हमारा आज का लंच, और बारबेक्यू वालों ने भी पहचान लिया मुझे। ये आज था हमारा व्लॉग, मतलब लंच का व्लॉग। बारबेक्यू वालों ने पहचान लिया मुझे, मैं वो मेरे से पूछने लगे, फिर उन्होंने खुद ही बिना पूछे ही, मतलब बिना मेरे से चैनल का नाम पूछे, बोला मैम आपका तो पहले भी हमने सर्च किया हुआ है नेम, उसने शायद फोटो देख के पहचाना, कैसे पहचाना। अमन आज घर से ही बोल रहे थे कि सोच तुझे वहाँ पे कोई तेरा सब्सक्राइबर मिल जाए। नहीं मैं मतलब इन्होंने कैसे पहचाना, इन्होंने ढूंढ रखा है कि कौन सी है जो आती है और खाती है, हाल भर लेती है अपना। और आप क्या ये सौंफ उठा के लाए, तेरे हाथों ने उठाया है, झुटकी तो खाता भी नहीं, झूठ बोल।
तो अब इतने पैसे डाल के हैं तो सॉफ्ट तो ला ही सकते हैं। तो कैसा रहा लंच आज का अम्मी जी? बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम। है ना मम्मी तो खाया भी नहीं ज्यादा कुछ। हाँ मम्मी ज्यादा नहीं खाती, रात तो बड़ी चीज खाए। मम्मी कह रही नाक तक भर गया आज। तो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय।